सब्सक्राइब कीजिए विनोद वर्मा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक पहुंचे सभी लेटेस्ट टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सर्वश्रेष्ठ ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में। सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फ्रंट व्हील ड्राइव एंड ऑल व्हील ड्राइव। हमने लास्ट क्लास के अंदर में रियर व्हील के बारे में बात करी थी और एक्सेल्स कौन कौन सी टाइप्स के होते हैं उस बारे में हमने बात की थी। तो फ्रंट एक्सेल में हमने तीन टाइप की पढ़ी थी, फुल फ्लोटिंग, सेमी फ्लोटिंग एंड थ्री क्वार्टर फ्लोटिंग। तो आई होप कल का जो लेक्चर था वो सबको समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स न्यू टॉपिक, दैट इज फ्रंट व्हील ड्राइव एंड ऑल व्हील ड्राइव। सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट एक्सेल। तो फ्रंट एक्सेल हमने पहले भी इस बारे में डिस्कशन किया है कि फ्रंट एक्सेल मतलब जो आगे की तरफ में एक्सेल हम यूज करते हैं और जो पीछे की साइड में यूज होता है वो रियर एक्सेल कहलाता है। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं वो फ्रंट एक्सेल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, फ्रंट व्हील ऑफ द व्हीकल आर माउंटेड ऑन द फ्रंट एक्सेल। तो जो फ्रंट के दोनों व्हील हैं उनका उनका माउंटिंग कहाँ पर होता है, फ्रंट एक्सेल के ऊपर में होता है, ठीक है। दूसरा, इट सपोर्ट द वेट ऑफ फ्रंट पार्ट ऑफ द व्हीकल। तो जो भी व्हीकल पे लोड पड़ता है बेसिकली हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, पहले फ्रंट और रियर में। और जो फ्रंट का जो लोड होता है वो भी अगेन दोनों टायर्स पे बराबर डिस्ट्रीब्यूट होता है लेफ्ट और राइट पर, ठीक है। सो इट सपोर्ट्स वेट ऑफ द व्हीकल। देन व्हाट एल्स एक्सेल सपोर्ट्स, इट सपोर्ट्स ऑल वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इन डायनेमिक कंडीशन विद ब्रेकिंग टॉर्क। तो देखिए जो भी फोर्सेस होते हैं अभी हम जिनकी बात कर रहे हैं वो हैं डायनेमिक कंडीशन की। तो डायनेमिक कंडीशन का मतलब क्या है, जब गाड़ी मोशन में है और जब गाड़ी चल रही है तो उस वक्त हमारे पास दोनों तरह के जो फोर्सेज होंगे वो हमारे एक्सेल पे लगेंगे। पहला होगा वर्टिकल फोर्सेज, तो वर्टिकली जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं वो होगा खुद का वेट या फिर ऑक्यूपेंट्स का वेट या फिर किसी और वजह से मान लीजिए गुड्स वगैरह भरा हुआ है तो उसका वेट, ये सारे वर्टिकल फोर्सेज में कहलाएंगे। इसी तरीके से हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेज की। तो जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेज होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे ब्रेकिंग टॉर्क है, जैसे आप ब्रेक लगाते हैं तो जो स्ट्रेस डेवलप होती है मेंबर्स में वो ब्रेकिंग टॉर्क कहलाती है, ड्राइविंग टॉर्क कहलाती है। तो ये सारे जो भी आपके पास हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हैं ये भी किसको, एक्सेल को बियर करने पड़ते हैं। इट आल्सो सपोर्ट्स वेरियस टोर्जनल एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप्ड ऑन द व्हीकल। देखिए इस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के अलावा यदि हम बात करें तो टोर्जनल फोर्सेस भी लगते हैं। टोर्जनल फोर्सेस कौन से होते हैं, मतलब वो घूमने की कोशिश करता है। हिंदी में अपन बात करते हैं तो अपन बोलते हैं ऐठन, ठीक है। तो ट्विस्टिंग जो हम लोग नॉर्मल इंग्लिश में बात करते हैं इट इज आल्सो कॉल्ड ट्विस्टिंग। तो जो ट्विस्टिंग नेचर के जो फोर्सेस होते हैं वो प्लस बेंडिंग स्ट्रेसेस जो होती हैं यानी कि जो किसी तरह से मेंबर को बेंड करने की कोशिश करती है वो दोनों टाइप के भी फोर्सेस हमारे क्या होते हैं, एक्सेल पे लगते हैं। वो कब होते हैं मैं आपको एलोबरेट कर देता हूँ कि टोर्जनल फोर्स यानी ट्विस्टिंग कब होने के चांस होते हैं। मान लीजिए ये पूरी की पूरी चारों व्हील आपके एक ही लेवल के ऊपर में रन कर रहे हैं लेकिन उसमें से कोई एक टायर आपका यदि मान लीजिए गड्ढे पे चला गया या ये किसी बम्प पर आ गया यानी कि यहाँ से ऊपर उठ रहा है या नीचे जा रहा है, तो जो ये ज्योमेट्री है यदि हम देखेंगे तो ये ज्योमेट्री क्या होगी, ये पोर्शन ऊपर उठेगा और ये पोर्शन नीचे की तरफ रहेगा, बाकी पीछे के भी दोनों लेवल पे रहेंगे। तो चार में से जब तीन टायर एक ही सरफेस पे रहेंगे और चौथा टायर ऊपर या नीचे होगा तो क्या होगा, एक तरह से ट्विस्टिंग होगी, जो मेंबर्स हैं उसके अंदर में ट्विस्टिंग आपको देखने को मिलेगी और यही रिजल्टेंट होता है फॉर द टोर्जनल स्ट्रेसेस। सिमिलरली बेंडिंग स्ट्रेसेस, मान लीजिए जो भी आपके पास में लीफ स्प्रिंग है वो यहाँ पर कनेक्टेड रहेगी और वो क्या करेगी, हमने लास्ट टाइम में भी देखा था वर्टिकल लोड क्या करते हैं, इट विल ऑलवेज ट्राई टू बेंड द एक्सेल्स, ठीक है। तो ये फोर्सेस इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। और क्या काम है एक्सेल का, इट फैसिलिटेट स्टीयरिंग। तो जो फ्रंट एक्सेल होता है वो क्या करता है, आपको स्टीयरिंग को भी हेल्प करने की कोशिश करता है यानी वहां पर सारी माउंटिंग जो स्टीयरिंग से आ रही है वो भी वहीं पे माउंट होती है। तो ये एक एक्स्ट्रा काम हो जाता है, रेयर में हमारे पास स्टीयरिंग से रिलेटेड कोई टास्क नहीं होता है। देन नेक्स्ट इज इट एब्सॉर्ब शॉक व्हिच आर ट्रांसमिटेड ड्यू टू रोड सरफेस इररेगुलरिटीज एंड प्रोवाइड अस कंफर्टेबल राइड। तो और एक काम क्या होता है फ्रंट एक्सेल का, कि जो रोड से शॉक आ रहे हैं, रोड सरफेस से जो इररेगुलरिटीज हैं, जो ऊपर नीचे सड़क है उसकी वजह से जो शॉक गाड़ी में आ रहे हैं वो भी क्या करते हैं, आपके एक्सेल के ऊपर आते हैं और वो एक्सेल को बियर करने पड़ते हैं। तो ये भी एक एक्सेल का काम होता है। देन इन फोर व्हील ड्राइव इट आल्सो ट्रांसमिट टॉर्क टू फ्रंट व्हील्स। तो देखिए जो फोर व्हील ड्राइव होती है जिसके अंदर में चारों व्हील्स को ड्राइव मिलती है उसमें काम और बढ़ जाता है कि फ्रंट व्हील पे हमारे को टॉर्क ट्रांसमिशन भी करना पड़ता है फ्रंट में, ठीक है। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये
डेड एक्सेल की है, यानी यहाँ पर अभी हम टॉर्क ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, आप देख पा रहे हैं। तो ये आपके पास एक एक लेआउट बनाया हुआ है, तो हम इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि जो हमारी फ्रंट एक्सेल है, यदि ये डेड टाइप की है, डेड मतलब यहाँ पे कोई ट्रांसमिशन नहीं आ रही है, तो हमारा जो फ्रंट एक्सेल है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। दिस इज कॉल्ड एक्सेल बीम। और जहाँ पर आपके पास स्प्रिंग आती है, लीफ स्प्रिंग रेस्ट कर रही है, वो हम लोग कहते हैं स्प्रिंग सीट। यानी यहाँ पर आपके पास स्प्रिंग आकर के टच होगी, यानी पूरा जो ऊपर से चेचिस का वजन है वो क्या होगा, इस स्प्रिंग के ऊपर आएगा और ये यहाँ पर एक्सेल को ट्रांसफर करेगा और एक्सेल आगे ले जाकर के व्हील को ट्रांसफर करेगा। देन वी हैव टाई रॉड। आप लोगों ने अभी आगे पढ़ेंगे स्टीयरिंग में, तो टाई रॉड हमारे पास काम में आती है जब हम गाड़ी को स्टीयर करते हैं, लेफ्ट और राइट हम जब मोड़ते हैं तो हम सिर्फ एक ही साइड को हम क्या करते हैं, स्टीयरिंग करते हैं, दूसरी साइड ऑटोमेटिकली टाई रॉड की वजह से घूमती है, ठीक है। देन ट्रैक रॉड आर्म, यहाँ पर ये टाई रॉड से कनेक्टेड है ट्रैक रॉड, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे जब स्टीयरिंग पढ़ेंगे। और ये जो आपका कहलाता है, ये कहलाता है स्टब एक्सेल। तो हमने लास्ट टाइम पे बात करी थी एक्सेल्स के बारे में, तो हमने बात की थी, सबसे पहला किया था हमने रेयर एक्सेल जिसमें हमने तीन टाइप पढ़े थे, दूसरा हमने किया था फ्रंट एक्सेल जिसमें हमने दो टाइप पढ़ा था, लाइव एक्सेल और डेड एक्सेल, और तीसरा हमने पढ़ा था स्टब एक्सेल जिसमें हमने चार टाइप पढ़े थे। तो वो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे स्टब एक्सेल्स क्या होते हैं। तो स्टब एक्सेल की पोजीशन ये होती है और ये दोनों साइड में लगा होता है, इसके अलग अलग इसकी डिजाइन हो सकती है, चार तरह की डिजाइन हम पढ़ेंगे इसके बारे में। और ये जो स्टब एक्सेल है, ये इसके साथ में, यानी कि आप जो बोलेंगे फ्रंट एक्सेल, इसके साथ में क्या होता है, किंग पिन की वजह से ये यहाँ पर इसे माउंटेड होता है, यहाँ पर किंग पिन लगा हुआ रहता है। और ये किंग पिन बिल्कुल 90 डिग्री नहीं होता है, ये थोड़ा सा इंक्लिनेशन पर होता है, ये सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ये किंग पिन इंक्लिनेशन क्यों होता है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट इट्स कंस्ट्रक्शन, ये जो फ्रंट व्हील ड्राइव आप देख रहे हैं, अभी हम इस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं बिकॉज इट इज अबाउट स्टीयरिंग, तो अभी हम इसको छोड़ रहे हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड। कन्वेंशनल फ्रंट एक्सेल्स आर डेड एक्सेल बट नाउ ओनली यूज इन हैवी व्हीकल्स। तो जो कन्वेंशनल है, यानी जो पुराने टाइप के फ्रंट एक्सेल्स आते थे, वो अधिकतर गाड़ियों में क्या होता था, डेड एक्सेल्स आते थे। डेड एक्सेल मतलब उनपे कोई पावर ट्रांसमिट नहीं की जाती थी और रेयर एक्सेल पे ही पावर ट्रांसमिट की जाती थी, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ज्यादातर हैवी गाड़ी के अंदर में ही फ्रंट जो एक्सेल है वो आपका डेड एक्सेल आने लगा है, क्योंकि उसमें वहां पर हम ड्राइव नहीं देते, रेयर व्हील ड्राइव ही यूज करते हैं और फ्रंट व्हील ड्राइव डेड होती है, ठीक है। दूसरा, लाइव एक्सेल इज वन through which power is transmitted to wheels. Many of the cars have live axles now. तो आप देखेंगे कि लाइव एक्सेल हमने लास्ट टाइम में भी डिस्कस किया था, किसको बोलते हैं, जिसमें भी इंजन की पावर ट्रांसफर हो रही हो, अपने आप से घूम रहा है वो नहीं, जिसमें इंजन की पावर ट्रांसमिट हो रही है, दैट इज कॉल्ड लाइव एक्सेल। तो अभी बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं जिनके अंदर में फोर व्हील ड्राइव है, तो हमारा फ्रंट एक्सेल भी लाइव एक्सेल है और रेयर एक्सेल भी लाइव एक्सेल है, ओके। डेड एक्सेल्स ओनली सपोर्ट द व्हील्स, इट डज नॉट ट्रांसफर पावर और टॉर्क to the wheels whatsoever, ठीक है। तो डेड एक्सेल क्या होता है, ये सिर्फ क्या करता है, व्हील्स को सपोर्ट करता है और इसमें किसी भी तरीके का इंजन से टॉर्क या पावर ट्रांसफर नहीं होती है। डेड एक्सेल्स मेड विद ड्रॉप फोर्जिंग स्टील, द कंपोजिशन इज अप्रोक्सीमेटली 0.4 कार्बन परसेंटेज प्लस 1.3 परसेंटेज ऑफ निकल। तो ये बेसिक कंपोजिशन रहती है, और भी कई अलॉयज रहते हैं, लेकिन हम जो बेसिक बात करें ड्रॉप फोर्जिंग स्टील की, तो हम लोग इस ग्रेड की ड्रॉप फोर्जिंग स्टील काम में लेते हैं, ठीक है। देन द डाउनवर्ड स्वीप एट द सेंटर टू कीप चेचिस लो। तो आप यहाँ पर इसकी डिजाइन को देखेंगे, इसकी जो डिजाइन है नीचे से आपको लोअर दिख रही है और साइडों से ये ऊपर उठी हुई है। तो इसका कारण क्या है कि हमारे जो व्हील्स है, हम चाहते हैं कि उनको ऊंचा रखें, पूरी गाड़ी ऊंची नहीं हो जाए, तो हम क्या करते हैं, इसको साइडों से तो ऊपर रखते हैं लेकिन सेंटर से हम क्या करते हैं, इसको स्वीप डाउन कर देते हैं, यानी कि नीचे की तरफ में हम इसको बेंड कर देते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि टायर्स तो ऊंचे हो गए और ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा मिल गया, लेकिन जो आपके पास बॉडी का जो कंपार्टमेंट था, जो आपके पास कह सकते हैं कि जो ओवरऑल हाइट है गाड़ी की, वो डाउन हो जाती है। और उसकी डाउन होने से क्या फायदा होता है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हमने कई बार डिस्कस किया है कि गाड़ी जितनी नीचे होगी उतनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्राउंड के पास में होगी, और उससे क्या फर्क होगा कि जब भी आप क्या कर रहे हैं, टर्न ले रहे हैं या कट ले रहे हैं, तो उस वजह से क्या होता है, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लगभग ग्राउंड के पास रहता है, तो गाड़ी पलटेगी नहीं। जैसे जैसे आप गाड़ी की हाइट बढ़ाते जाते हैं, वेट ऊपर की तरफ में डिस्ट्रीब्यूट करते जाते हैं, तो आपका सीजी जो होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इट विल ट्राई टू मूव अप। और आप देखेंगे बड़े बड़े जो ट्रक्स होते हैं जिनमें बहुत सामान भरा होता है, उनका सीजी काफी ऊपर चला जाता है। इसी वजह से यदि वो हाई स्पीड में टर्न ले लेते हैं तो उनका सीजी क्या होता है, डेविएट हो जाता है और तुरंत से वो गाड़ी पलट जाती है। तो इस वजह से हम लोग इसकी यदि स्टेबिलिटी की बात करें,
तो हम चाहते हैं कि व्हीकल की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करें, बॉडी को डाउन रखें जितना डाउन हम रख सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद डाउन भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए, यानी कि नीचे से जो सरफेस है रोड सरफेस उससे लेके गाड़ी के बीच में एक हमें क्लियरेंस मिनिमम रिक्वायर्ड होता है, सो दैट कोई भी यदि मान लीजिए फॉरेन एलिमेंट है, पत्थर है या कोई भी चीज़ नीचे पड़ी है तो उसको निकलने के लिए जगह मिल सके। तो दिस इज द बेसिक इम्पॉर्टेंस। दूसरी बात आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये फ्रंट व्यू आपको दिखा रखा है फ्रंट एक्सेल का, और फ्रंट एक्सेल के अंदर में आपके पास सेक्शंस अलग अलग होते हैं। यदि आप बात करें सेंटर से तो सेंटर में यदि हम इसको देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आई सेक्शन बना हुआ है जो कि राउंड टाइप का है, ठीक है, तो हैवी सेक्शन है। इसी तरह से दोनों एंड्स पर जाते जाते क्या होता है, वो सेक्शन थोड़ा फ्लैटन हो जाता है, यहाँ पे चौड़ा फ्लैट हो जाता है, यानी यहाँ पर सी पर दोनों साइड में देखेंगे तो ये एरिया आपको ज्यादा मिलता है, इसको आप टॉप व्यू में देख सकते हैं, ये विड्थ आपको ज्यादा मिलती है बजाय सेंटर के। तो ये विड्थ हमने ज्यादा क्यों दी है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो सस्पेंशन सिस्टम है, जो स्प्रिंग है या जो लीफ स्प्रिंग है उसको हमें यहाँ पर बोल्ट करना है, इसलिए हमें यहाँ पर ज्यादा जगह चाहिए। तो जो सी है वो कंपैरेटिवली डी के रेस्पेक्ट में ज्यादा चौड़ा होता है, ठीक है। इसी तरह से यदि हम बात करें बी की तो ये सॉलिड होता है, रेक्टेंगुलर आप सेक्शन दे सकते हैं, और ए हम देखें यदि तो ए क्या होता है, यहाँ पर जो आई होती है यानी कि यहाँ पर क्या होता है हॉलो सेक्शन होता है ये, और इसके अंदर में हमारी किंग पिन इसमें से पार होती है और जो आगे जाके स्टब एक्सल से जुड़ जाती है। अभी हम आगे देखेंगे स्टब एक्सल इससे कैसे कनेक्ट होती है। तो ये एंड जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इस एंड के हिसाब से हम इसके आगे एक्सल को जोड़ते हैं और उसी पर व्हील आपका माउंट होता है। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। यदि हम बात करें लाइव एक्सल और डेड एक्सल के डिफरेंस की, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। द डेड एक्सल इट इज नॉट गेटिंग एनी पावर फ्रॉम इंजन, हेंस कॉल्ड डेड, इट रोटेट्स बाय इट्स ओन। तो क्या होता है, जो इंजन है वहां से डेड एक्सल को कोई पावर नहीं मिलती है, और जो डेड एक्सल है वो क्यों रोटेट होती है, बिकॉज ऑफ इट्स ओन रोटेशंस। यदि मान लीजिए हम बात करते हैं एक सर्कुलर हमने रॉड लगा भी दी और दोनों व्हील्स उस पे माउंट कर दिए और वो घूम रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो लाइव एक्सेल हो गई। लाइव एक्सेल को तभी होगी जब उसको इंजन से पावर मिलती है। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। इसी तरीके से हम लाइव एक्सेल की बात करें, इट इज गेटिंग पावर फ्रॉम इंजन थ्रू द डिफरेंशियल, हेंस कॉल्ड लाइव एक्सेल। तो जब भी हम लाइव एक्सेल की बात करेंगे तो हम लोग उसको इंजन से पावर ट्रांसमिट करेंगे, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लाइव एक्सेल। सेकंड डिफरेंस जो है वो है, दीज एक्सेल्स हैव सफिशिएंट रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू टेक द वेट। तो डेड एक्सेल की एक अच्छी बात ये होती है कि उनकी जो रिजिडिटी है और उनकी स्ट्रेंथ है वो काफी मजबूत होती है, काफी अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है इन कंपेरिजन टू लाइव एक्सेल्स। तो उससे फर्क क्या पड़ता है कि उसमें काफी लोड बियरिंग कैपेसिटी होती है, यानी आप हैवी व्हीकल्स की जब बात कर रहे थे तो वहां पर हम लोग डेड एक्सेल होने की वजह से क्या करते हैं, काफी लोड उस जगह पे लगा सकते हैं। लाइव एक्सेल्स ऑन द अदर हैंड अलोंग विद टेकिंग द लोड ऑफ व्हीकल इट ऑल्सो ट्रांसमिट टॉर्क टू द व्हील। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि लोड तो लेती है ये, लेकिन साथ ही साथ में क्या करती है, टॉर्क भी ट्रांसफर करती है, इसीलिए ये क्या होती है, उतनी मजबूत नहीं हो पाती है, हम बहुत ज्यादा हैवी इसको नहीं बना सकते हैं क्योंकि इसको लगातार घूमना भी है और टॉर्क को ट्रांसफर करना है। यदि हम बहुत ज्यादा हैवी बना देंगे तो पावर लॉसेस बढ़ जाएंगे, तो वी कैन नॉट मेक देम मोर हैवी अबाउ अ सर्टेन लिमिट्स। ओके, देन द थर्ड डिफरेंस इज फ्रंट एक्सेल इज डेड इन द केस ऑफ फ्रंट इंजन, ठीक है, रेयर ड्राइव और रेयर इंजन रेयर ड्राइव। तो देखिए फ्रंट एक्सेल जो होती है वो डेड एक्सेल होती है किस केस के अंदर में, यदि मान लीजिए इंजन फ्रंट में माउंट है लेकिन रेयर व्हील ड्राइव, इंजन आगे लग रहा है पीछे गाड़ी आप रेयर व्हील ड्राइव कर रहे हैं, यानी प्रोपेलर शाफ्ट लगा के आपने पीछे उसको पावर दे दी, तो ऐसे केस में क्या होगा, फ्रंट एक्सेल आपका डेड होगा। दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि रेयर में इंजन लग रहा है और रेयर व्हील ही ड्राइव है, उस केस में भी आपका जो होगा फ्रंट एक्सेल वो डेड होगा। यदि हम बात कर रहे हैं रेयर एक्सेल इज लाइव इन केस ऑफ फ्रंट इंजन रेयर ड्राइव, तो हम बात कर रहे हैं रेयर एक्सेल कब लाइव होगी, यदि रेयर एक्सेल इन केस फ्रंट में यदि इंजन लग रहा है और रेयर के अंदर में आपके पास ड्राइव जा रही है, तो रेयर की ड्राइव जिस पे जा रही है वो एक्सेल क्या कहलाएगी, लाइव एक्सेल कहलाएगी। और इसी तरह से रेयर में इंजन लगा दिया और रेयर में ड्राइव जा रही है तो भी वो क्या कहलाएगी, इट विल कॉल अगेन लाइव एक्सेल। ओके, एंड द लास्ट डिफरेंस इज डेड एक्सेल डू नॉट रोटेट, हेंस दे कैन बी ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन। तो जनरली हम ट्रक्स वगैरह की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, उसको रोटेशन रोटरी नहीं बनाते हैं, ठीक है, कुछ गाड़ियों में हम उसको सर्कुलर बनाते हैं लेकिन मैक्सिमम में उसको सर्कुलर शेप में नहीं बनाते हैं, उसको हम लोगों ने अभी जब डिस्कस किया उस तरह से हम अलग अलग क्रॉस सेक्शन से बना सकते हैं और उससे हमारी लोड बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। इसी तरह से हम लाइव एक्सेल की बात करें, इट ऑलवेज रोटेट्स, हेंस दे मस्ट हैव सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। तो लाइव एक्सेल को तो रोटेट करना ही है और इसी वजह से क्या होता है, उनको हमेशा सर्कुलर बनाना ही पड़ेगा आपको।
यदि आप डायग्राम देखेंगे नीचे तो आपको दिख रहा है ये फ्रंट एक्सेल का डायग्राम है और आपके पास में ये स्प्रिंग शॉकर्स हैं यहाँ पर और ये आपको डेड एक्सेल दिखाई हुई है। राइट के अंदर यदि आप देखेंगे तो ये आपके पास में फ्रंट एक्सेल है लेकिन यहीं पर आपके पास इंजन माउंटेड है और इंजन के साथ में आपके पास क्या है सारा जो गियर मैकेनिज्म है वो यहीं पे माउंटेड है और उसके बाद डायरेक्टली हमने क्या किया फ्रंट व्हील को ड्राइव दे दिया। तो हमारे पास में क्या हो गया ये जो दोनों साइड में जो एक्सेल घूम रही है आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेल जो है ड्राइव शाफ्ट भी इसका नाम है ये दोनों लगातार घूमती रहती हैं बाय टेकिंग द टॉर्क फ्रॉम योर दिस गियर बॉक्स। ओके लेकिन इस केस में क्या होता है जब भी टायर ऊपर नीचे जाएगा तो ये एक्सेल एक पोजीशन में नहीं रह सकती है तो इसकी वजह से हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो ये एक्सेल है ये अप एंड डाउन हो सके। तो ये जो शाफ्ट है ये अप एंड डाउन हो सके इसको परमिसिबल बनाने के लिए इसको अलाउ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है ये जो रॉड होती है ये रिजिडली अंदर तक नहीं जाती है यहाँ से जो रॉड निकलती है इसमें और इसमें हम लोग सीवी कप यूज करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सीवी जॉइंट लिखा हुआ है तो ये सीवी कप क्या करता है ये अलाउ करता है कि यदि ये शाफ्ट थोड़ी नीचे ऊपर हो रही है या आगे पीछे हो रही है तो उसके टॉर्क को ट्रांसफर करने के लिए सीवी कप रेस्पॉन्सिबल होता है और ये सीवी कप में अरेंजमेंट होता है कि ये क्या करता है अलाइनमेंट को मेंटेन करता है। किसी एंगल पर यदि आपकी गाड़ी मुड़ती है या अंदर बाहर भी होती है तो कुछ लेवल तक ये उसको एडप्ट कर सकता है लेकिन यदि एक लेवल से ज्यादा आपका टायर आउट होता है तो ये क्या करता है सीवी कप से बाहर आ जाता है और ये एक्सेल अलग हो जाती है। तो दिस इज हाउ अवर सीवी कप हेल्प इन दिस। सो नाउ लेट्स मूव अहेड। अभी हम बात करते हैं टाइप ऑफ स्टब एक्सेल्स। ठीक है तो स्टब एक्सेल जैसा भी हमने बोला कि जो आपके पास डेड एक्सेल आती है वो उसका जो एंड होता है आप यहाँ पर फिगर में देख पा रहे हैं जो बीम एक्सेल है या फिर डेड एक्सेल है या फ्रंट एक्सेल कुछ भी कह लीजिए वो यहाँ तक आकर के खत्म होती है और यहाँ पर अभी हमने देखा था आई एंड होता है। आई एंड मतलब यहाँ पर क्या होता है उसमें एक छेद होता है एंड के ऊपर में उसके ऊपर में यहाँ पर आप क्या करते हैं अलग अलग तरह की स्टब एक्सेल माउंट करते हैं दिस इज कॉल्ड स्टब एक्सेल। तो हमने क्या किया मान लीजिए आपके पास में जो डेड एक्सेल है उसका एंड आपका पास बिल्कुल इस तरीके का है जिसकी आई आपके पास में स्ट्रेट है उसके ऊपर में यदि आपके पास में सी टाइप का स्टब एक्सेल आ रहा है तो वो उसके ऊपर में माउंट होगा और ऊपर से किंग पिन हम बीच में डाल देंगे जिससे कि ये एक्सेल क्या करेगा अंदर बाहर तो नहीं निकल सकता लेकिन ये इस किंग पिन के रेस्पेक्ट में रोटेट हो सकता है यानी एंगुलर मोशन कर सकता है। और वो क्यों कर रहे हैं हम जिससे कि हम टायर को फ्री छोड़ सकें कि जब हम स्टीयर कर रहे हैं लेफ्ट मोड़ रहे हैं या राइट मोड़ रहे हैं तो हमको इसको अंदर या बाहर की तरफ घुमाना है और उसके लिए जो परमिशन मिलेगी वो मिलेगी बिकॉज ऑफ दिस किंग पिन। तो अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से टाइप के स्टब एक्सेल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट वन इज एलॉयड। ठीक है सेकेंड वन इज रिवर्स एलॉयड। थर्ड इज लेमोइन एंड फोर्थ इज रिवर्स लेमोइन। तो जो रिवर्स लेमोइन है वो सबसे वाइडली यूज होता है और जो मटेरियल है लगभग लगभग सभी स्टब एक्सेल्स का वो हम लोग क्या करते हैं जो स्टील है उसकी कंपोजिशन में 3% निकल क्रोमियम एंड मॉलिब्डेनम हम लोग लगभग ये कंपोजिशन मिनिमम रखते हैं और भी कुछ एडिटिव्स हम डाल सकते हैं टू एनहांस द प्रॉपर्टीज। तो अब हम देखते हैं एक एक करके कि इनका कैसा शेप होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एलॉयड की। तो आप यहाँ पर एक डायग्राम देख पा रहे हैं तो ये आपके पास राइट का जो पोर्शन है ये है फ्रंट एक्सेल का। तो जो फ्रंट एक्सेल का जो पोर्शन है वो आप देखेंगे एक सी टाइप का आपको पोर्शन मिल रहा है। तो ये जो इंटीग्रेटेड पार्ट है ये फ्रंट एक्सेल का ही पार्ट है जो दोनों साइड पे प्रोट्रूडेड है निकला हुआ है। ठीक है तो इसके साथ जब हम स्टब एक्सेल लगाते हैं तो इसकी स्टब एक्सेल का जो डिजाइन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है जैसा आप फिगर में देख पा रहे हैं। तो ये जो स्टब एक्सेल होती है ये क्या होती है इस जगह पे हम अंदर की तरफ में इसको डाल देते हैं और इस स्टब एक्सेल में भी यहाँ पर हॉलो होती है छेद होता है और यही छेद कहाँ होता है आपके फ्रंट एक्सेल के रेयर एंड में होता है दोनों साइड में ये छेद होता है। तो हम दोनों को अलाइन करके दोनों को अंदर घुसाने के बाद ऊपर से किंग पिन डाल देते हैं जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। किंग पिन क्या होता है बेसिकली एक तरह का सिलेंड्रिकल पार्ट होता है जो कि इसको क्या करता है यहाँ से होता हुआ एंड तक चला जाता है। तो इससे होता यह है कि ये जो आपके पास स्टब एक्सेल दिख रही है ये स्टब एक्सेल अब वापस बाहर नहीं निकल सकती हमने इस सिलेंडर के रेस्पेक्ट में इसको लॉक कर दिया। जो किंग पिन है उसी को हम सिलेंडर बोल रहे हैं यहाँ पर इसकी बिहाफ पे हमने क्या किया स्टब एक्सेल को लॉक कर दिया लेकिन अभी भी इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या है एंगुलर मूवमेंट करने की यानी कि जो स्टब एक्सेल का आगे का पार्ट है यदि हम इसको एंगुलर मूवमेंट कराएं तो ये अलाउ करेगा। ठीक है इसी तरीके से यदि हम इसमें बात करें कि जो स्टब एक्सेल है जो आपके पास फ्रंट एक्सेल है वो फ्रंट एक्सेल क्या होगा उस पर सारा लोड आएगा ऊपर से जब लोड आएगा तो वो पूरा का पूरा लोड क्या करेगा स्टब एक्सेल पे डालने की कोशिश करेगा।
तो जो लोड का जो सबसे ज्यादा आप देखेंगे जोन जो होगा, जहां सबसे ज्यादा लोड पड़ेगा, वो पड़ेगा इस अपर पोर्शन में। तो आप देखेंगे यहाँ स्टब एक्सेल और जो फ्रंट एक्सेल है, उन दोनों का जो बीच का पार्ट है, यहाँ पर आपने थ्रस्ट वॉशर लगा रखा है। तो थ्रस्ट वॉशर यहाँ पर डालने से फर्क क्या पड़ा कि जितना भी लोड आ रहा है और जब ये घूमेगी लेफ्ट राइट, ये जब जब आप इसको स्टीयर करोगे तो ये क्या होगा, यदि डायरेक्ट लगाते तो ये इसके कॉन्टेक्ट में आके वियर एंड टीयर हो जाता और ये स्टब एक्सेल यहाँ से घिस जाती। हम चाहते हैं कि ये, क्योंकि स्टब एक्सेल महंगी आती है, तो हमने क्या किया, थ्रस्ट वॉशर यूज कर लिया और जितने भी हम चाहें इसको लेफ्ट एंड राइट टर्न कराएंगे, आपकी स्टब एक्सेल नहीं घिसेगी बल्कि आपका थ्रस्ट वॉशर घिस जाएगा। तो कुछ समय बाद यदि आपको लगता है कि आपका थ्रस्ट वॉशर ज्यादा घिस गया है, जिसकी वजह से वियर एंड टीयर ज्यादा हो रहा है, आवाज ज्यादा हो रही है, तो आप इसको खोल के और आपका थ्रस्ट वॉशर चेंज कर दीजिए, वापस से आपका जो राइड है वो स्मूथ हो जाएगा। तो ये इसके बाद इसका कंस्ट्रक्शनल फिनोमिना है और वर्किंग फिनोमिना है। दूसरे टाइप की यदि हम बात करें तो हमने बोला है रिवर्स एलॉयड। रिवर्स एलॉयड में क्या हो गया, बिल्कुल डिजाइन उल्टा हो गया। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये आपके पास फ्रंट एक्सेल है, लेकिन फ्रंट एक्सेल आपके अंदर की साइड है और बाहर की साइड जो सी है वो आपका स्टब एक्सेल का पार्ट है। अब स्टब एक्सेल क्या हो गया, सी टाइप हो गया। तो स्टब एक्सेल आपका बाहर की साइड लग रहा है और जो अंदर की साइड है वो पोर्शन है आपका फ्रंट एक्सेल का। तो फ्रंट एक्सेल में भी अगेन होलो होगी बीच में से, और आपके पास स्टब एक्सेल होगी उसमें भी दोनों साइड में होल होंगे। तो हम काम वही करने वाले हैं, यहाँ पर हम किंग पिन को डाल देंगे जिससे कि ये दोनों लॉक हो जाएं। लेकिन अब ध्यान से देखिएगा कि जो फ्रंट एक्सेल है उसका पूरा लोड कहाँ पे पड़ेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और आपके पास सी क्लैंप आपको यहाँ नजर आ रहा है जो स्टब एक्सेल का है, जो टायर के साथ माउंटेड होगा। तो आप यहाँ देखेंगे जितना भी फोर्स आ रहा है वो सारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पर आपका थ्रस्ट वॉशर की पोजिशन चेंज हो गई है, ठीक है, पहले के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर ध्यान से देखें तो थ्रस्ट वॉशर आपका डाउनवर्ड लगा हुआ है, तो जितने भी बार आप स्टीयरिंग घुमाएंगे तो ये पूरा सी क्या होगा, एंगुलर मूवमेंट करेगा, और इसकी वजह से जितना भी वियर एंड टीयर होगा वो आपका थ्रस्ट वॉशर में होगा। और ज्यादा जब वियर एंड टीयर हो जाएगा तो आप खोल करके थ्रस्ट वॉशर को चेंज कर दीजिए, वापस से आपकी जो स्टीयरिंग मैकेनिज्म है वो बहुत स्मूथ हो जाएगा। सो ये आपके पास सेकेंड टाइप का रिवर्स एलॉयड। अब थर्ड टाइप की हम बात करते हैं लेमोइन। तो लेमोइन में क्या होता है, थोड़ा सा डिजाइन चेंज हो गया है। आप देखेंगे यहाँ पर फ्रंट एक्सेल आई और फ्रंट एक्सेल को हमने क्या किया, इस तरीके का सिलेंड्रिकल पोर्शन का टाइप हमने शेप बनाया और बीच में से हॉलो रखा, ओके? और नीचे का जो आपने पोर्शन देखा वो 90 डिग्री पर आपने डायरेक्ट घुमा दिया और क्या किया, उसके साथ एक्सेल को जोड़ दिया। और यहाँ पर भी सेम चीज हो गई कि आपका जितना भी वियर एंड टीयर है तो थ्रस्ट वॉशर आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग गया, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है, बिल्कुल नीचे हमने इसको माउंट किया है तो जो स्टीयरिंग है वो क्या करेगा, लेफ्ट एंड राइट घूमेगा और वो सिर्फ एक ही जगह से आपका कपल्ड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ से इसका कोई कांटेक्ट नहीं रहता। तो दिस इज कॉल्ड लेमोइन टाइप, ओके? और यदि हम रिवर्स लेमोइन को देखेंगे तो बाकी सारी कंस्ट्रक्शन सेम है, लेमोइन भी सेम है, लेकिन हमने क्या किया, जो प्लेसमेंट है, जो इसका लगाने का जो पोजिशन था वो डाउनवर्ड की जगह हमने अपवर्ड कर दिया। तो हमने क्या किया, इसमें रिवाइज लेमोइन के अंदर में हमने ऊपर की तरफ में इसको लगा दिया और जो किंग पिन हमने बीच में से लगाई है उसको हमने नीचे से बोल्ट से हमने इसको टाइट कर दिया। तो होता क्या है कि जो आपके पास ये पोर्शन है जो स्टब एक्सेल का, इसी के अंदर में से किंग पिन निकली हुई है और इस किंग पिन को हम जब इसमें डालते हैं नीचे से हम बोल्ट कर देते हैं। सिमिलरली यदि हम यहाँ से इसको नीचे से लगाते हैं तो किंग पिन इसके साथ जुड़ी हुई थी जो कि ऊपर निकलेगी और यहाँ हम इसको बोल्ट कर देंगे। सो दिस इज द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ योर डिफरेंट स्टेप एक्सेल्स। तो अभी हमने बात करी, सबसे जो जो ज्यादा फेमस है वो आपके पास रिवर्स लेमोइन टाइप का जो स्टेप एक्सेल है वो सबसे ज्यादा फेमस हम लोग देखते हैं, ठीक है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसको हम डिटेल में समझते हैं स्टेप एक्सेल कैसे होता है। तो हम सबसे पहले ध्यान अपना लेफ्ट में दें, तो हम लेफ्ट साइड के पहले कंस्ट्रक्शन को समझेंगे, राइट के अंदर में हम लोग जो है इसका एनिमेशन हम देखेंगे कि ये किस तरीके का रियलिटी में होता है। तो सबसे पहले हम पूरा ध्यान लेफ्ट साइड में लगाएं, देन वी विल डिस्कस द राइट पोर्शन। तो अभी अभी हमने जो स्टब एक्सेल की बात करी तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर कि ये सी टाइप का आपके पास स्टब एक्सेल है। यदि हम वापस जाकर के देखेंगे तो हम कौन से वाले टाइप की बात कर रहे हैं, स्टब एक्सेल इस तरीके का जो आपके पास है स्टब एक्सेल लगा हुआ है वहां पर। तो दिस इज योर रिवाइज एलॉयड टाइप। तो इसमें सी सेक्शन होता है स्टब एक्सेल के अंदर में। तो अभी आपने देखा यहाँ पर ये जो स्टब एक्सेल का पार्ट है और स्टब एक्सेल में ही ये सी टाइप है, तो ये रिवाइज आपके पास में एलॉयड जो सेकेंड नंबर का है, रिवाइज एलॉयड इस शेप का आपको यहाँ पर स्टब एक्सेल दिख रहा है, ओके? तो यहाँ पर ये आपके पास हो गया और इसमें दोनों साइड से होल होते हैं और यहाँ पर हम क्या डालते हैं, हमारी किंग पिन को डालते हैं जिससे कि क्या करता है वो इसके रेस्पेक्ट में घूम सके। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमने इसको हॉलो बनाया है और यहाँ पर अंदर से किंग पिन इसके अंदर डाल दी जाती है। तो
तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि यहाँ पर हमने एक वॉशर यूज किया था ऊपर वाली पोर्शन में, क्योंकि यहाँ पर सारा लोड लग रहा था, लेकिन जो अंदर की तरफ में किंग पिन डाली है उसके रेस्पेक्ट में ये स्टब एक्सल क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो अगेन एक प्रॉब्लम हमको ये आएगी कि जो अंदर की सरफेस है यानी कि जो किंग पिन है और जो स्टब एक्सल का ये वाला जो पोर्शन है ये जल्दी घिस जाएगा और वियर एंड टीयर की वजह से क्या होगा, फिर हमें पूरा स्टब एक्सल बदलना पड़ेगा। इसको अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर भी आप देखेंगे बुश लगा दिया है, यानी इस होल को हम थोड़ा बड़ा रखते हैं और फिर वापस से हम उसमें एक बुश लगा देते हैं। बुश ब्रास का हो सकता है, ब्रॉन्ज का हो सकता है, अलग अलग एलॉयज का हो सकता है, लेकिन ये क्या होता है, सॉफ्टर मटेरियल होता है, यानी कि ये जो बुश का मटेरियल है वो इसके रेस्पेक्ट में सॉफ्ट होता है जो कि इससे पहले घिस जाता है, यानी वो किसी भी तरह से किंग पिन को डैमेज नहीं होने देगा। जितना भी डैमेज होगा वो खुद बुश होगा, जितना घिसेगा वो बुश होगा, और हम जब उसका ओवरऑलिंग कराते हैं, मेंटेनेंस कराते हैं, तो ये बुश चेंज हो जाता है और बहुत कम कॉस्ट में हमारा काम हो जाता है। तो ऊपर और नीचे दोनों में हमने इसको बुश लगाया है और यहाँ पर आप देखेंगे ये स्टब एक्सेल है और इसका ये फ्रंट पार्ट है, जैसा आप वहां पर देख पा रहे थे कि हमने यहाँ पर सिर्फ एक लाइन से दिखाया था, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, या फिर इस डायग्राम में देखिए कि हमने सिंपल इसको एक लाइन से दिखा दिया था कि ये स्टब एक्सेल होता है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, ये स्टब एक्सेल इसका जो पार्ट है वो आगे तक जाता है और यहाँ पर इसके थ्रेड कटे हुए होते हैं, ठीक है। और उस थ्रेड को हम क्या करते हैं, जब व्हील हब लगाते हैं उसको लगाने के बाद हम इसको नट से हम इसको टाइट कर देते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो ये आपके पास में जो दिख रहा है, ये आपके पास में बैक प्लेट दिख रही है। बैक प्लेट क्या हो गई कि जो हब आएगा आगे से हम उसको रोकने के लिए यहाँ पर एक बैक प्लेट लगा के रखते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं तो ये आपके पास दिख रहा है, ये आपके पास ब्रेक ड्रम है। तो ब्रेक ड्रम क्या होता है, ब्रेक ड्रम आपने जब पढ़ा था ब्रेक्स तो आपने देखा था कि ब्रेक ड्रम जो होता है वो एक जगह फिक्स होता है, जो व्हील्स होते हैं वो घूम रहे होते हैं, तो जो ब्रेक लगा होता है वो ब्रेक ड्रम पे लगा हुआ होता है और ये स्टेशनरी होता है, यानी कि ये कभी नहीं घूम रहा होता है। ब्रेक ड्रम फिक्स हो गया और जो ब्रेक लगे हुए हैं वो अपनी जगह पे फिक्स होते हैं, यदि वो भी उसके साथ घूम सकेंगे तो हमारा ब्रेक कभी काम नहीं करेगा। तो ब्रेक ड्रम पे ब्रेक माउंट होते हैं और ये जो चीज है ये स्टेशनरी रहता है, क्योंकि ये क्या होता है आपका स्टब एक्सल से कनेक्टेड रहता है और ये बीच में फिक्स रहता है। इसी तरीके से हम आगे देखें तो ये स्टब एक्सल है, जो बीच का पोर्शन आप देख रहे हैं ये स्टब एक्सल का ही पार्ट है। देन वी हैव कवर, यानी नट के ऊपर हम एक कवर लगा देते हैं जिससे कि नट में क्या हो, आगे डस्ट और ये सब नहीं जा सके। और यहाँ पर हमने एडजस्टिंग नट लगा रखा है। एडजस्टिंग नट का मतलब यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया, रोकने के लिए कि हमारा जो ये व्हील ड्रम है ये बाहर नहीं आ जाए इसके लिए। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, ग्रीस कंटेनर, यानी यहाँ पर हमने ग्रीस भर के रखते हैं काफी, जिससे कि जो मोशन है वो काफी इजी रहे, ओके। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन होता है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स रियल पिक्चर कि हम इसको एक्चुअली में समझना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर किस तरीके से हमें दिखाया हुआ है। तो हम बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे। ये देखिए आपके पास में एक आपको दिखा रखा है, ये खुला हुआ स्टब एक्सेल है और ये सबसे लास्ट पोर्शन है, ये सी टाइप दिख रहा है आपको और यहाँ से स्टब एक्सेल बाहर आ रहा है, ये रियलिटी का है। और यहाँ पर आपका बीच में क्या लग रहा था, किंग पिन लग रहा था। ये बिल्कुल टायर जब खुलता है तो ये कैप आपको नजर आ रही है, जो कैप हमने यहाँ पर दिखाई, कवर जिसको हम बोलते हैं, इस कवर को जब हटाएंगे तो यहाँ पर आपको एक नट दिखेगा, लेकिन ये ग्रीस में रहता है इसीलिए आपको ये हटाना पड़ेगा ग्रीस, और उसके बाद आप इस नट को खोल सकते हैं। जब आप इस नट को खोलेंगे तो ये जो होगा आपके पास में ऊपर ये फ्री हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक रोलर बियरिंग लगा रहता है, ठीक है। तो ये टेपर रोलर बियरिंग क्या करता है, रिवॉल्व करने में इसको हेल्प करता है। ये आपके पास कवर आ गया, ठीक है, तो कवर आपने अलग कर दिया और अब आपके पास स्टब एक्सल आपको साफ नजर आ रही है। ये जो आपको दिख रहा है ये आपके पास में ब्रेक ड्रम है, जिसको अभी अभी हमने बात करी, और ये जो आपको दिख रहा है ये फ्रंट एक्सल दिख रहा है और फ्रंट एक्सल के ऊपर में ये कॉइल स्प्रिंग माउंटेड है यू बोल्ट से, ठीक है। तो दिस इज हाउ दिस स्प्रिंग इज माउंटेड, तो स्प्रिंग माउंटेड रहती है और इसके नीचे की तरफ में आप देख रहे हैं फ्रंट एक्सल लगा हुआ है, और ये आपको खुला हुआ स्टब एक्सल दिखाया है जिसमें से सारी चीजों को रिमूव कर दिया है, ड्रम वगैरह, और ये आपको फाइनली स्टब एक्सल ही नजर आ रहा है। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस कंस्ट्रक्शन और इससे किस तरीके से हम लोगों को हेल्प मिलती है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। और जब हम इंक्लिनेशन पढ़ेंगे तब हमें पता लगेगा कि ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता, ये थोड़ा सा टेढ़ा बना हुआ होता है, यानी कि हम देखेंगे तो यदि हम इसकी बात करें एक्सिस की तो ये बिल्कुल ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री पे नहीं होता है, ये थोड़ा सा इनवर्ड होता है, यानी कि थोड़ा सा इस तरीके से तिरछा होता है। और उसके क्या फायदे हैं वो हम आगे पढ़ेंगे कि उसको बोलते हैं किंग पिन इंक्लिनेशन। तो किंग पिन जो लगी होती है वो बिल्कुल 90 डिग्री पे नहीं होकर के कुछ इंक्लाइंड होती है, उसके अपने एडवांटेजेस होते हैं वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस स्टब एक्सल वेरी वेल, आपको पूरा कंस्ट्रक्शन इसको देख के समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से लगा हुआ है, फ्रंट एक्सल कैसे लगी हुई है, उसके साथ स्प्रिंग कैसे जुड़ी हुई है और आगे ब्रेक ड्रम कैसा जुड़ा हुआ है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड।
अब हम बात करते हैं ऑल व्हील ड्राइव की, या हम कई बार उसको बोलते हैं फोर व्हील ड्राइव। तो हमने पहले भी बात करी थी कि जब हम फ्रंट और रेयर दोनों को पावर ट्रांसमिट करते हैं तो उस केस में हम जो ड्राइव दे रहे होते हैं वो हम चारों व्हील्स को देते हैं, यानी जो पावर ट्रांसफर हो रही है वो चारों व्हील को बराबर हो रही है, या फिर हम उसको कुछ कम या ज्यादा एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मोर और लेस फोर व्हील ड्राइव में चारों व्हील की व्हील को आपके जो टॉर्क होगा वो ट्रांसफर होगा, चारों ही व्हील पावर ले रहे होंगे डायरेक्ट इंजन से। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करते हैं, दिस लेआउट इज टिपिकली चूजन फॉर बेटर कंट्रोल ऑन मेनी सर्फेसेस एंड इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रैली रेसिंग एज वेल एज ऑफ रोड ड्राइविंग। तो जहां पर भी गाड़ी, हम लोग ऑफ रोड कंडीशन की बात करते हैं, ऑफ रोड कंडीशन मतलब जहां पर सिंपल रोड पे ना चल करके लाइक स्नो एरिया है, जहां पर भी बर्फ है, मडी एरिया है, कीचड़ है, दलदल है, डेजर्ट है, या फिर क्रॉस कंट्री आप कर रहे हैं, मान लीजिए पहाड़ी इलाका है, तो इस तरह की जितनी भी है, या फिर ज्यादा बारिश हो रही है, स्लिपरी कंडीशन है, तो ऐसे क्रॉस कंट्रीज हम बोलते हैं, यानी ऑफ रोड जितनी भी आपके पास चांसेस होते हैं वहां पर जब आपकी गाड़ी चलती है वहां पर हमें चाहिए कि हम चारों व्हील्स को बराबर ट्रैक्शन दे सकें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि फ्रंट वाले जो टायर होते हैं वो जमीन पे टच होते हैं, रेयर वाले ठीक से टच नहीं होते हैं, या लेफ्ट साइड के दोनों टच होते हैं, राइट के ऊपर उठे हुए होते हैं। तो ऐसे सब कंडीशंस में हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हर व्हील को बराबर ड्राइव मिलती रहे, जिससे हमारी गाड़ी कहीं पर भी स्लिप नहीं हो और वो कैसे भी हर्डल को पार कर जाए। ठीक है, सो ऐसी सारी गाड़ियों में, और लगभग आप मान के चलिए जितने भी डिफेंस के व्हीकल होते हैं, जितने भी मिलिट्री से रिलेटेड व्हीकल्स होते हैं, 90% से ज़्यादा व्हीकल्स फोर व्हील ड्राइव होते हैं, क्योंकि उनके जो कंस्ट्रक्शन होते हैं, उनके जो कह सकते हैं आप, उनका जो डिप्लॉयमेंट होता है वो ज़्यादातर ऑफ रोड कंडीशन के लिए ही होता है। तो हम इसका यदि कंस्ट्रक्शन देखें, हम ऑलरेडी एक बार पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, तो इसमें क्या होता है, आपका इंजन आगे माउंट रहता है, उसके बाद वही ट्रांसमिशन लाइन होती है, लेकिन यहाँ पर एक ट्रांसफर केस एक्स्ट्रा लग जाता है। यदि हम सिंगल रेयर व्हील ड्राइव की बात करते हैं तो यहाँ से आपके पास जो गियर से ट्रांसफर होकर के जो टॉर्क निकलता वो सीधे क्या होता था, प्रोपेलर शाफ्ट से होता हुआ पीछे चला जाता था, लेकिन फोर व्हील ड्राइव में क्या होता है, वो सीधे प्रोपेलर शाफ्ट में नहीं जाकर के पहले एक ट्रांसफर केस में जाता है, और ट्रांसफर केस में क्या होता है, जो टॉर्क होता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों के लिए, और फ्रंट में अलग से प्रोपेलर शाफ्ट लगाते हैं और रेयर के लिए अलग प्रोपेलर शाफ्ट लगाते हैं, और वो पीछे जाकर के अपने डिफरेंशियल को पावर ट्रांसमिट करती है। इसी तरह से आगे वाली जो प्रोपेलर शाफ्ट है वो आगे डिफरेंशियल से जाकर के आगे वाले व्हील को अपनी जो टॉर्क है उसको ट्रांसफर करेगी। तो हम कह सकते हैं कि फोर व्हील ड्राइव में दो डिफरेंशियल आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, और आगे भी यदि आपका डिफरेंशियल लगाए तो आप समझ सकते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे स्टीयरिंग भी है, यहीं पे ब्रेकिंग भी है, यहाँ पर ही आपका डिफरेंशियल भी लगा हुआ है, वेट भी आपका पड़ रहा है, टॉर्क भी आपको ट्रांसफर करना है। बट स्टिल हम इसके एडवांटेज देखें कि ऐसी ऑफ रोड कंडीशन में हमारे पास और कोई चारा नहीं बचता, तो हमें फोर व्हील ड्राइव ही बेटर लगती है। यहाँ पर आप इसका एक स्केच देख सकते हैं, यहाँ पर आपको फ्रंट व्हील लगा रखा है, और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ट्रांसफर केस लगा हुआ है, और ट्रांसफर केस से जो इनपुट आ रहा है वो इंजन से आ रहा है, तो वो नहीं दिखाया हुआ है इसमें, सिर्फ ट्रांसफर केस से आउटपुट को आपको दिखाया हुआ है। एक जो प्रोपेलर शाफ्ट है फ्रंट में आ रही है, दिस इज कॉल्ड फ्रंट प्रोपेलर शाफ्ट, और एक रेयर में जा रही है, दिस इज कॉल्ड रेयर प्रोपेलर शाफ्ट, और पीछे रेयर लाइव एक्सेल है और आगे फ्रंट लाइव एक्सेल है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो दिस इज हाउ अवर फोर व्हील ड्राइव लुक्स लाइक। ठीक है, तो क्या होती है, लेट्स ट्राई टू एलिबरेट फ्रंट व्हील ड्राइव। दिस सेटअप ट्रांसफर्स पावर टू द फ्रंट व्हील्स, giving them the responsibility to move and steer the vehicle. तो फ्रंट व्हील ड्राइव में क्या होता है, जो इंजन है वो अपनी आरपीएम किसको देता है, फ्रंट व्हील्स को भी देता है, और साथ ही साथ में अपना उसको स्टीयरिंग भी करना होता है। तो ये दोनों रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रंट व्हील ड्राइव की होती है। सेकेंडली, दे आर टिपिकली चीपर टू मैन्युफैक्चरर एंड आर मोर स्पेस सेविंग देन रेयर व्हील ड्राइव। तो यदि हम बात करें फ्रंट व्हील ड्राइव की, तो फ्रंट व्हील ड्राइव में क्या होता है, आगे की साइड में ही हमारा इंजन लगा होता है और आगे ही हम ट्रांसमिशन दे रहे होते हैं, हम रेयर में कोई भी ट्रांसफर नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यदि यहाँ पर हम फ्रंट में ही इंजन माउंट कर रहे हैं और फ्रंट में ही हम रोटेशन दे रहे हैं, तो हमें कोई एक्सेल नहीं चाहिए, कोई यूनिवर्सल जॉइंट्स नहीं चाहिए, तो उससे फायदा क्या हुआ, आपका कॉस्ट बच गया। तो ये जो होते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव वो चीपर होते हैं। ठीक है, तो ये हम बात करें फ्रंट व्हील ड्राइव की। यदि हम बात करें व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रंट व्हील, देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रंट व्हील। पहला जो फ्रंट व्हील होता है वो होता है फ्रंट इंजन ट्रांसवर्सली माउंटेड। तो जो पहला टाइप होता है उसमें इंजन आगे माउंटेड होता है, लेकिन उसका जो अलाइनमेंट है वो ट्रांसवर्स होता है। ट्रांसवर्स मतलब जो एक्सेल का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में इंजन रखा हुआ होता है। ठीक है,
तो इस तरीके के जो फ्रंट व्हील है उसको हम बोलते हैं फ्रंट इंजन ट्रांसवर्स माउंटेड, और दूसरा जो टाइप होता है उसमें कहलाता है फ्रंट इंजन लॉन्गिट्यूडनली माउंटेड, यानी इंजन तो आपका फ्रंट में लेकिन उसका जो प्लेसमेंट है वो क्या है गाड़ी के रेस्पेक्ट में लॉन्गिट्यूडनल है, यानी जो उसकी आरपीएम निकल रही है वो इसके 90 डिग्री पे निकल रही है, जबकि इसमें क्या हो रहा है दोनों की आरपीएम जो हो रही है वो एक ही डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, ठीक है। सो इट सीम्स मच मोर इजियर, इसको हम थोड़ा इजी समझते हैं। इसी तरीके का अभी हमने ये एक डायग्राम भी देखा था, यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पर आपने देखा था ये वाला डायग्राम, इसके अंदर में आपके पास था कि आपका क्रॉस अलाइनमेंट में ही आपका इंजन लगा हुआ है और इसी तरीके से आपका एक्सल घूम रहा है, तो ये कंपैरेटिवली जो टॉर्क ट्रांसमिशन है ये काफी इजी हो जाता हमारे लिए, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द फ्रंट व्हील ड्राइव, ओके। अब हम बात करते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, कि फ्रंट व्हील ड्राइव लगाने से क्या फायदा और क्या नुकसान है। तो सबसे पहले हम बात करें, द इंजन एंड ट्रांसमिशन आर लोकेटेड डायरेक्टली अबाउट द फ्रंट व्हील विच कैन प्रोवाइड बेटर ट्रैक्शन व्हेन क्लाइंबिंग हिल्स एंड ड्राइविंग ऑन स्लिपरी रोड्स। तो हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि यदि रोड की कंडीशन स्लिपरी है या हिल क्लाइंबिंग है तो हम पुल टाइप व्हीकल प्रीफर करते हैं, यानी कि आगे की तरफ में ड्राइव होना चाहिए जिससे वो पूरी गाड़ी को खींच ले। तो इस तरीके के जो फ्रंट व्हील ड्राइव है वो ऐसे कंडीशंस में हमें काफी हेल्पफुल रहते हैं और अच्छे रहते हैं। सेकंड इज, सिंस ऑल द इक्विपमेंट इज अप फ्रंट, दे क्रिएट मोर स्पेस एंड लेग रूम इन द बैक। तो आप सोचिए कि यहाँ पर देखेंगे कि सारा आपका मैकेनिज्म जो है ट्रांसमिशन का वो आगे आ गया, तो पीछे की तरफ में कोई आपके पास में किसी तरह की प्रोपेलर शाफ्ट नहीं है, किसी तरह का पीछे डिफरेंशियल नहीं दिया हुआ है, तो इस वजह से आपको फायदा क्या हुआ कि यहीं से आप क्या कर सकते हैं पूरी व्हीकल की स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं और आप बहुत रोड के नजदीक जा सकते हैं जिससे कि आप इस स्पेस को ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकें। सो वी गेट मोर स्पेस। लेकिन यदि रेयर व्हील ड्राइव होती, यहाँ से प्रोपेलर शाफ्ट जाती तो नीचे वो रोटेट होती, इस वजह से आपकी जो लोअर जो आपके पास में बेस होता है इस गाड़ी का उसको आपको इससे ऊपर रखना पड़ता है, तो ये वहां नुकसान होता था, लेकिन फ्रंट व्हील ड्राइव में ये आपको एक एडवांटेज मिल जाता है। देन फ्रंट व्हील ड्राइव हैज लेस कंपोनेंट्स देन एनी अदर ड्राइव ट्रेन सेटअप। तो हम फोर व्हील की बात करें, रेयर व्हील की बात करें, इन दोनों में काफी कंपोनेंट यूज होते हैं लेकिन फ्रंट व्हील ड्राइव में सबसे कम कंपोनेंट यूज होते हैं, मेकिंग द व्हीकल लाइटर एंड इंप्रूविंग इट्स गैसोलीन माइलेज। तो हम बात करें कि यदि वजन की बात करें तो सबसे हल्का, यदि हम तीनों में कंपेरिजन करें फ्रंट व्हील ड्राइव में, रेयर व्हील ड्राइव में और ऑल व्हील ड्राइव में, तो हम पाएंगे कि फ्रंट व्हील ड्राइव सबसे ज्यादा जो है लाइट वेट होती है और उसमें जो माइलेज है वो भी हमको अच्छा मिलता है। दैट्स व्हाई मोस्ट इकोनॉमी टाइप कार्स आर फ्रंट व्हील ड्राइव। तो आप देखेंगे जितनी भी ज्यादा सस्ती गाड़ियां मिलेंगी आपको वो सारी क्या होंगी, फ्रंट व्हील ड्राइव ही आपको मिलेंगी। देन देयर इज ग्रेटर टैकल फीडबैक थ्रू द स्टीयरिंग व्हील इफ द व्हील्स आर स्लिपिंग। तो हम क्या होता है, यदि हमारी जो स्लिपरी कंडीशंस की हमने बात करी थी, यदि हम वहां पर स्टीयरिंग करते थे और रेयर व्हील के साथ में स्टीयरिंग करते थे तो हमें क्या होता था, दिक्कत आती थी, हम उसको प्रॉपर स्टीयर नहीं कर पाते थे, वो क्या होते थे अंडर या ओवर स्टीयर हो जाते थे। लेकिन इस केस में यदि हम बात करें जहाँ फ्रंट व्हील ही है और फ्रंट ड्राइव है तो स्टीयरिंग काफी कंट्रोल्ड हो जाता है, तो ये हमारे लिए एक एडवांटेज मिलता है, बट स्पेशली फॉर योर स्लिपरी पार्ट्स। नॉर्मल रोड्स के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम स्लिपरी पार्ट्स की बात कर रहे हैं जहाँ भी स्नो है, आइस है या फिर पानी गिरा हुआ है, वहां पर हम लोगों के लिए ये काफी इजी हो जाता है। देन फ्रंट व्हील ड्राइव इज अ सिंपलर सिस्टम एंड टेंड्स टू बी लेस एक्सपेंसिव टू बाय एंड मेंटेन। तो फ्रंट व्हील ड्राइव क्या होती है, अभी हमने बात करी, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, आगे ही सब कुछ आ गया, नो प्रोपेलर शाफ्ट, नो यूनिवर्सल जॉइंट, तो हमारा क्या हो गया, खर्चा बच गया, तो इट इज लेस एक्सपेंसिव खरीदते वक्त भी और मेंटेनेंस के लिए भी, मेंटेनेंस भी कम हो गई, यदि पार्ट्स ही कम है तो मेंटेनेंस भी उनका रिलेटिवली कम हो गया। एंड द लास्ट एडवांटेज इज, इफ मोस्ट ऑफ यूर ड्राइविंग इज इन ड्राई और रेनी कंडीशन, अ फ्रंट व्हील ड्राइव सिस्टम इज ऑलवेज यूनिक। Most modern front-wheel drive system contains anti-lock braking system and traction control, making them preferably suitable for light snow conditions as well. तो जितने भी snowy area होते हैं या फिर आप uphill area की बात करें, you will find that कि front-wheel drive is the most preferable drive. तो वहाँ पर आप इसको best use कर सकते हैं. Plus क्या होता है? Braking को और efficient बनाने के लिए, traction को और efficient बनाने के लिए इनके अंदर में अब जो नई गाड़ियां आ रही हैं इनमें सब में ABS आने लग गया है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और ट्रैक्शन कंट्रोल। तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है, आपका जो गाड़ी की स्टेबिलिटी है वो काफी इंप्रूव हो गई है इन केस ऑफ लो स्नोवी कंडीशंस आल्सो। यानी कि हमने अभी बात करी कि स्नोवी कंडीशन के लिए तो बहुत परफेक्ट है, लेकिन जहां पर कम बर्फ है या थोड़ी नॉर्मल ऑर्डिनरी रोड्स हैं वहां पर भी ये काफी अच्छा परफॉर्म कर पा रही हैं इस वजह से, ठीक है। तो दीज आर द एडवांटेजेस।
Now let's move towards the disadvantages of front wheel drive. Since all the weight is located in the front of the wheel, front wheel drive cars tends to understeer. तो हमने अभी बात करी कि सारा वजन जो है वो आगे शिफ्ट हो गया, बैक साइड में ना तो हमारे पास में डिफरेंशियल रहा, ना हमारे पास में प्रोपेलर शाफ्ट रही, तो ज्यादा वेट जो है वो आगे कंसंट्रेट हो गया और इस वजह से क्या हो गया, जो कंडीशन अंडर स्टीयरिंग की है वो यहाँ पर एक हमें देखने को मिलती है। हम आगे पढ़ेंगे जब स्टीयरिंग पढ़ेंगे व्हाट इज अंडर स्टीयरिंग व्हाट इज ओवर स्टीयरिंग। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम बढ़ गई वो हमारे पास अंडर स्टीयरिंग की बढ़ गई बिकॉज ऑफ मोर लोड एट द फ्रंट एंड। ओके, ड्यूरिंग सडन एक्सेलरेशन फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल्स टेंड्स टू वियर टू द राइट और लेफ्ट बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड टॉर्क स्टीयर। तो जब जब हम आगे वेट ज्यादा कर देते हैं और फ्रंट व्हील ड्राइव होती है तो क्या होता है, टॉर्क स्टीयर की कंडीशन बनती है। हमने लास्ट टाइम में भी इसको डिस्कस किया था और आपका जो व्हीकल है वो क्या करता है, लेफ्ट या राइट जाने की कोशिश करता है। ठीक है, सो इट इज वन ऑफ द चैलेंजेस इन योर फ्रंट व्हील ड्राइव। देन द थर्ड इज फ्रंट व्हील ड्राइव टेंड्स टू हैव ए लोअर टॉइंग कैपेसिटी देन रेयर व्हील और फोर व्हील ड्राइव ट्रेन्स। तो आप बात करें कैपेसिटी की, यानी वेट हम कितना लगा सकते हैं या कितना रख सकते हैं उस पर, तो जो फ्रंट व्हील ड्राइव होती है वो सबसे कम लोड बियर कर सकती है यदि हम कंपेयर करें सेम कैपेसिटी की रेयर व्हील ड्राइव को या फोर व्हील ड्राइव को। तो हम तीनों में कंपेरिजन करें सेम इंजन के लिए, सेम तरीके के आउटपुट के लिए, तो फ्रंट व्हील ड्राइव सबसे कम आपके पास क्या होगी, कैपेसिटी ले सकती है। देन फ्रंट व्हील ड्राइव हैज वर्स एक्सेलरेशन देन रेयर व्हील ड्राइव विच इज व्हाई मोस्ट स्पोर्टी एंड रेस कार्स यूज रेयर व्हील ड्राइव। तो देखिए यदि हम एक्सेलरेट करते हैं, मतलब हमने जैसे ही एक्सेलरेशन पेडल दबाया और हमारी गाड़ी बहुत तेजी से भागने लगी, ये जो चीज है ये आपको रेस्पॉन्स टाइम जो है वो फ्रंट व्हील के अंदर में बहुत कम मिलता है विद रेस्पेक्ट टू योर रेयर व्हील ड्राइव। तो रेयर व्हील ड्राइव में क्या होता है, जैसे ही आप एक्सेलरेट करते हैं आपकी गाड़ी और तेजी से आगे भागती है, लेकिन यदि आप फ्रंट व्हील ड्राइव में एक्सेलरेट करते हैं तो एक लैग होता है, यानी कि उसके आगे वाली पोर्शन को तो ड्राइव मिल गई लेकिन पीछे से उसको पुल करने में उसको टाइम लगता है। और इस वजह से क्या होता है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पीछे तक का गाड़ी का बढ़ाना है तो इट टेक्स सम टाइम। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, इट टेक्स मोर टाइम इन फ्रंट व्हील ड्राइव। लेकिन रेयर व्हील ड्राइव में आपने जैसे ही एक्सेलरेट किया, क्योंकि पूरी टॉर्क पीछे जा रही है और एकदम से वो गाड़ी को क्या करता है, आगे पुश करता है, तो इस वजह से वो तुरंत एक्सेलरेशन का रेस्पॉन्स देती है। सो इट इज द मेन रीजन वाई ऑल द रेसिंग कार्स आर यूजिंग रेयर व्हील ड्राइव। ओके, देन विद ऑल द वेट अप फ्रंट, फ्रंट व्हील ड्राइव कैन मेक हैंडलिंग मोर डिफिकल्ट। तो अभी हमने बात करी कि आगे वेट जाने से हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जा रही हैं, और जो फ्रंट व्हील ड्राइव होने की वजह से हमारे पास जो हैंडलिंग है, हैंडलिंग मतलब कि हमारा स्टीयरिंग भी कह लीजिए, ब्रेकिंग भी कह लीजिए, ये दोनों ही जो हैंडलिंग है ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है फ्रंट व्हील के केस में। देन द लास्ट वन इज सीवी जॉइंट बूट्स इन फ्रंट व्हील ड्राइव टेंड्स टू वियर आउट सूनर देन रेयर व्हील ड्राइव व्हीकल्स। और अभी हमने एक बात करी थी सीवी कप की, और जो सीवी जॉइंट होता है जो कि अलाउ करता है कि आपके फ्रंट व्हील्स को अप एंड डाउन मोशन करने के लिए, वो भी क्या करता है, सीवी कप जो है वियरिंग बहुत ज्यादा होती है उनके अंदर में, और कभी कभी वो वियरिंग होने की वजह से हमें जल्दी रिप्लेस करने पड़ते हैं सीवी कप्स को। तो ये एक प्रॉब्लम है फ्रंट व्हील ड्राइव की। यदि हम रेयर व्हील ड्राइव में भी सीवी कप यूज करते हैं तो वो कंपैरेटिवली कम घिसते हैं, लेकिन फ्रंट व्हील ड्राइव के जो सीवी कप्स होते हैं, सीवी जॉइंट्स होते हैं, वो बहुत जल्दी घिस जाते हैं। तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंजेस, या कह सकते हैं लिमिटेशन ऑफ योर फ्रंट व्हील ड्राइव। ठीक है, अब हम लास्टली बात कर रहे हैं ऑल व्हील ड्राइव की। ऑल व्हील ड्राइव हम पढ़ चुके हैं और उसके क्या फायदे हैं। फोर व्हील ड्राइव इंप्रूव ट्रैक्शन इन डेंजरस ड्राइविंग कंडीशन सच एज स्नो, आइस, रॉक्स एंड अदर सिनेरियोस दैट कैन मेक कंट्रोल डिफिकल्ट। बाय एंगेजिंग बोथ सेट ऑफ व्हील्स ट्रैक्शन एंड कंट्रोल इंप्रूव। तो अभी हमने बात करी फोर व्हील ड्राइव की, यदि चारों व्हील को पावर मिल रही है तो इस तरह के व्हीकल बहुत अच्छे होते हैं आइस, रॉक्स और ऐसे सिनेरियोस के लिए, और ट्रैक्शन बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, सेकंड इज एडिशनल वेट कंट्रीब्यूशन टू बेटर ग्रिप ऑन द रोड। हमने पहले भी ये बात करी है कि गाड़ी में जब वेट होता है तो जो गाड़ी का जो टायर है वो बेटर वे में आपके रोड सरफेस को कॉन्टेक्ट में रहता है, और उसकी वजह से उसकी ग्रिप अच्छी होती है, ट्रैक्शन अच्छा होता है, गाड़ी अच्छी चलती है। यदि आप लाइट वेट के साथ गाड़ी चलाते हैं तो वो क्या होता है, हवा में हो जाती है, यानी उसका जो ट्रैक्शन होता है वो रोड के साथ इतना अच्छा नहीं हो पाता है। तो हम चाहते हैं कि गाड़ी जब आप चलाते हैं, फोर व्हीलर आप चलाते हैं, वो कुछ लोडेड उसमें होना चाहिए, तभी वो ज़्यादा बेटर कंडीशन में परफॉर्म कर पाती है। सिमिलरली द फोर व्हील ड्राइव इज ग्रेट फॉर दोज हु लाइक्स ऑफ रोड कंडीशंस। तो जो ऑफ रोडिंग में गाड़ी चलाते हैं, यानी रोड के अलावा जैसे गाँव में चला रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं, पहाड़ी इलाकों में जा रहे हैं, रेगिस्तान में जा रहे हैं, ऐसे सारे कंडीशंस के लिए उनको फोर व्हील ड्राइव गाड़ी लेनी चाहिए।
हमने एक बात और बोली थी, फोर व्हील ड्राइव ऐसा नहीं है कि हमेशा चारों व्हील चलेंगे। आप चाहें आप उसी फोर व्हील को, यदि आप नॉर्मल यहाँ से मान लीजिए जयपुर जा रहे हैं तो आप फोर व्हील यूज नहीं करना चाहते क्योंकि इट इज नॉट ऑफ रोड कंडीशन, इट इज अ हाईवे, तो आप अच्छे हाईवे पे चला रहे हैं गाड़ी को, क्योंकि फोर व्हील ड्राइव जैसे आप यूज करेंगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो आपकी एवरेज डाउन हो जाएगा, इंजन पावर तो बहुत मिल जाएगी आपको, चारों व्हील्स पे पावर मिल रही है, गाड़ी बहुत पावरफुल हो जाएगी, लेकिन आपका एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो हम जब चाहें उसको टू व्हील ड्राइव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एक लीवर होता है अंदर कंपार्टमेंट में, आप जब चाहें उस गाड़ी को फोर व्हील ड्राइव कर लीजिए और जब चाहें आप चेंज करके उसको टू व्हील ड्राइव कर लीजिए। तो जनरली टू व्हील ड्राइव करते ही आपका पीछे वाले एक्सल में ही आपको पावर ट्रांसमिट होता है, आगे वाला एक्सल जो होता है वो ट्रांसफर केस अलग कर देता है, वहां पर उस समय किसी भी तरह का पावर ट्रांसमिट नहीं हो पाता है। सो नाउ लेट्स सी द डिसएडवांटेजेस। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ फोर व्हील ड्राइव इज एडेड कॉस्ट फॉर परचेज, मेंटेनेंस एंड फ्यूल, ये तीनों ही बढ़ जाते हैं। फोर व्हील ड्राइव आप लेते हैं, फोर व्हील ड्राइव आप जनरली देखेंगे कि बुलेरो आती है, इनोवा आती है, या बड़ी आप कह लीजिए स्कॉर्पियो आती है जो पुलिस वगैरह काफी यूज करती हैं, तो ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियां एसयूवी ज्यादातर होती हैं, लाइक हेक्सा है, ऐसी बहुत सारी गाड़ियां हैं जिनके अंदर में फोर व्हील ड्राइव आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन उससे क्या एडअप हो जाता है, एक तो इनिशियल कॉस्ट, यानी आप खरीदने जाएंगे फोर व्हील ड्राइव तो वो महंगी मिलेंगी गाड़ियां, दूसरी उनका मेंटेनेंस बढ़ जाएगा, तीसरा माइलेज कम हो जाएगा, तो फ्यूल कॉस्ट आपको वैसे ही ज्यादा आनी है। द एक्स्ट्रा इक्विपमेंट, यानी इसमें एक्स्ट्रा क्या लग गया, जैसे आपको आगे भी डिफरेंशियल चाहिए, ट्रांसफर केस एक्स्ट्रा हो गया, एडेड कॉम्प्लेक्सिटी एंड वेट टू द व्हीकल, तो इससे क्या हो गया, एक तो पूरा का पूरा डिजाइन कॉम्प्लेक्स हो गया है और दूसरा वेट भी आपकी गाड़ी का बढ़ गया है। इंक्रीजिंग इनिशियल मार्केट वैल्यू, टायर वियर एंड कॉस्ट रिपेयर एंड मेंटेनेंस, यानी ये सब चीजें बढ़ जाती हैं, काफी कॉस्टली पड़ती है हमको चलाने में भी और खरीदने में भी फोर व्हील ड्राइव। सेकेंडली द एडेड पावर एंड वेट ऑफ फोर व्हील ड्राइव एंड ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम रिक्वायर्स मोर फ्यूल, मेकिंग देन लेस इफिशियंट देन देयर टू व्हील ड्राइव काउंटर पार्ट्स, यानी हम यदि एक गाड़ी सेम गाड़ी है, मान लीजिए सपोज करिए हम जिप्सी की बात करते हैं, आपने जिप्सी का नाम सुना होगा, आर्मी में और पुलिस के पास बहुत ज्यादा हुआ करती थी, उन जिप्सी के अंदर में फोर व्हील ड्राइव भी होती है, और उन फोर व्हील ड्राइव को यदि हम सेम कैपेसिटी की गाड़ी के साथ कंपेयर करें जो टू व्हील ड्राइव है, तो आप पाएंगे कि पावर तो आपको चारों व्हील्स पे फोर व्हील ड्राइव में ज्यादा मिल रही है, लेकिन जो इफिशियंट गाड़ी है इन टर्म्स ऑफ फ्यूल, तो हम देखेंगे टू व्हील ड्राइव इज मच मोर इफिशियंट देन फोर व्हील ड्राइव। सिमिलरली एडेड वेट इंप्रूव ट्रैक्शन एंड कंट्रोल, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जो हमने वेट ऐड किया उसे ट्रैक्शन और कंट्रोल तो बढ़ा, लेकिन इट ऑल्सो इंक्रीज द ब्रेकिंग डिस्टेंस रिक्वायरमेंट टू मेक ए कम्प्लीट स्टॉपेज, तो हमारा क्या हुआ, जैसे हम ब्रेक लगाते हैं चारों व्हील्स को जब पावर मिलती है तो जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है, यानी कि जो गाड़ी मान लीजिए आप हाईवे पे चला रहे हैं और 100 की स्पीड में है और आप एकदम से ब्रेक अप्लाई करते हैं और मान लीजिए कि 5 मीटर में वो रुक जाती है टू व्हील ड्राइव में, यदि हम सेम गाड़ी फोर व्हील ड्राइव में ड्राइव कर रहे हैं और 100 की स्पीड में हम एकदम ब्रेक लगाते हैं तो हो सकता है वो 5 मीटर से ज्यादा जाए, कम नहीं जाएगी, 5 से 5.5 हो सकती है, 6 मीटर हो सकती है, क्योंकि इनर्शिया बढ़ गया और उसके अंदर में स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो बढ़ गई है। लाइटर व्हीकल्स कैन अवॉइड कोलिजन इजियर देन हैवियर व्हीकल्स, तो आप देखेंगे हाईवे पे भी जो लाइट व्हीकल्स होते हैं, मान लीजिए हम एक कार को और एक ट्रक को कंपेयर करें और दोनों बराबर डिस्टेंस में जा रहे हैं और सामने गाय आ जाती है और दोनों एक साथ में ब्रेक लगाते हैं, तो आप देखेंगे जो लाइट व्हीकल है यानी कार है वो जल्दी रुक गई, और हैवियर व्हीकल है यानी जो ट्रक है या बस है वो क्या होगा, फुल ब्रेक लगाने के बाद भी काफी आगे तक वो जाएगी बिकॉज ऑफ इनर्शिया, तो इस वजह से क्या होता है, ज्यादा प्रॉन कौन होते हैं एक्सीडेंट के, हैवी व्हीकल्स, ठीक है। देन फोर व्हील एंड ऑल व्हील ड्राइव कैन कॉज ओवर कॉन्फिडेंस इन ड्राइवर, आयरनिकली लीड्स टू मोर सिचुएशंस वेयर यू कैन बिकम स्टक, तो आप देखेंगे कि जितनी भी गाड़ियां फोर व्हील ड्राइव होती हैं उनको चलाने वाले क्या होते हैं, कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, क्योंकि जब वो चलती है तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत पावर आपको मिल रही है और बहुत गाड़ी का ट्रैक्शन आपके हाथ में है, लेकिन उसी वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट आप देखेंगे तो एसयूवीज के सबसे ज्यादा आपको एक्सीडेंट मिलेंगे, यदि आप कंपेयर करें टू व्हील के साथ में और फोर व्हील ड्राइव को, तो आप देखेंगे फोर व्हील ड्राइव जितनी बिकी है उसके रेस्पेक्ट में उनका एक्सीडेंट ज्यादा हो रहा है, बजाय के टू व्हील जितनी बिकी है उनका एक्सीडेंट हो रहा है, बिकॉज वहां पे ड्राइवर क्या होता है, उनको बहुत तेज भगा रहे हैं और बहुत ज्यादा उसको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं उसको चलाते वक्त, तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ फोर व्हील ड्राइव। देन द लास्ट डिसएडवांटेज इज although four wheel drive improve traction, slow down and use extreme cautions on ice, snowy and slick roads, overconfidence can lead to dangerous accident, to dekhiye four wheel drive bahut achhi traction deti hai, no doubt bahut achhi chalti hai, uski pakad bhi bahut achhi hoti hai, lekin hum jo jis condition ke liye usko banayi hui hai wahan speed nahi chahiye aapko, aap isko dhyan rakhiye ki four wheel drive aapki off road condition ke liye bani hai
और पावर देने के लिए बनी है, ना कि स्पीड देने के लिए। तो आप उसको हाई स्पीड में चलाएंगे तो इट कैन क्रिएट अ डेंजरस सिचुएशन फॉर यू। तो आपको फोर व्हील ड्राइव है तो वो ऑफ रोड कंडीशन में अच्छा परफॉर्म करने के लिए दी जाती है, ना कि तेज चलाने के लिए। यदि आप फोर व्हील ड्राइव को यूज करते वक्त तेज चलाएंगे तो इट मे क्रिएट्स अ डेंजरस एक्सीडेंट फॉर यू। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी।